तीन तरीकों से आप अपने YouTube वीडियोस पर ज्यादा व्यूज ला सकते हो। सो तरीका नंबर वन है हुक व्यूअर्स फास्ट। सबसे पहले गाइज आपको अपने व्यूअर्स का अटेंशन, उनका ध्यान स्टार्टिंग के कुछ ही सेकेंड में हुक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका इंट्रो क्रिस्प और दमदार रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि व्यूअर्स आपके वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसका यहाँ पे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। जिस वीडियो में मैंने अपना इंट्रो पार्ट को शॉर्ट, क्लियर और क्रिस्प रखा है, वो सारी वीडियोस वायरल हुई है। 9 से 10 वीडियो पे मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हुए हैं। अब वो क्यों वायरल हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 क्विक टिप्स भी दूंगा जिससे कि आप अपने YouTube वीडियोस पर ज्यादा व्यूज ला सकते हो। बट उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। वापस चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपको अपने YouTube वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ ही सेकेंड्स में व्यूअर्स को हुक कर लेना है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला 3 तरीकों से आप अपने YouTube वीडियो पर व्यूज ला सकते हो, और देन मैंने बिना कोई सेकेंड्स गवाए आपको टिप नंबर 1 बता भी दिया। सेम ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी का वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो को शूट करने से पहले ही आप अपने माइंड में ये सेट कर लो कि इस वीडियो का हाई पॉइंट क्या है, और देन आप उसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा या बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है, सो आप अपने ब्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग, फनी पार्ट या शॉकिंग पार्ट को स्टार्टिंग में ही दिखा सकते हो। या अगर आपका एक कुकिंग चैनल है तो आप अपने फिनिश्ड डिश का, जो आपने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, उसका क्लिप सबसे पहले दिखा सकते हो। इससे होगा ये कि YouTube को इससे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेगी कि ज़्यादा व्यूवर्स वीडियो को ओपन करने के बाद इंट्रो पार्ट को ज्यादा देर के लिए देख रहे, एटलीस्ट 20 से 30 सेकंड तो देख रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले आपको टिप नंबर 2 जानना होगा, जो कि है शो द रिजल्ट्स। सो व्यूअर्स को इंट्रो से हुक करने के बाद आता है सबसे मेन पार्ट, व्यूअर्स को रिजल्ट शो करना। अब वीडियो पर व्यूज आने के लिए अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके वीडियो का AVD, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अब एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रो से आपने स्टार्टिंग का 70 से 90% का एवरेज व्यू ड्यूरेशन तो ले लिया, बट व्यूज आने के लिए और आपके वीडियो के YouTube रिकमेंडेशन सेक्शन में जाने के लिए आपके पूरे वीडियो का AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, अब बहुत जरूरी है। सो इस फेज में आप अपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल को रीअफर्म कर सकते हैं। इसमें आप व्यूअर्स को रिजल्ट्स या प्रूफ दिखा सकते हो, पूरा प्रोसीजर या ट्यूटोरियल बता सकते हो जो आपने अपने थंबनेल और टाइटल में प्रॉमिस किया है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है और आपने एक ब्लॉग बनाया कि आप किसी जगह गए और वहाँ आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। लेट सपोज यहाँ पे मैं सौरभ जोशी का एक वीडियो ले रहा हूँ जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि वो जंगल में फंस गए, जिसमें उसने वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को शो कर दिया। उसके बाद आता है मेन पार्ट जिसमें व्यूअर्स को उसका रिजल्ट या प्रोसीजर बताना है, जर्नी दिखानी है कि आप कैसे उस जगह गए और क्या हुआ जिससे कि आप फंस गए। सो ऐसे ही आप पॉपुलर क्रिएटर से सीख कर अपने वीडियो में इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर आपका एक कुकिंग चैनल है और आपने बोला कि आप एक क्विक स्नैक बना रहे हो, तो उस वीडियो की ड्यूरेशन भी आपको कम ही रखनी है। ऐसे ही आप किसी भी कैटेगरी के चैनल, जैसे टेक एक्सपेरिमेंट चैनल, DIY चैनल, डांस चैनल या कोई भी कैटेगरी का आपका चैनल हो, उसमें आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। और यही वो बेनिफिट है जिससे कि YouTube को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि इंट्रो को 20-30 सेकंड के देखने के बाद भी व्यूअर्स आपके वीडियो को ज्यादा देर तक के लिए देख रहे हैं, और इससे आपके पूरे वीडियो का AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, बढ़ता है, और देन YouTube आपके वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर देता है और फिर आपके व्यूज इंक्रीज होने लगते हैं। बट थर्ड टिप के बिना रिकमेंडेड वीडियोस पर भी व्यूज नहीं आ सकते, इसलिए आपको थर्ड टिप को ध्यान से समझना होगा, जो कि है अपडेशन स्ट्रेटजी। सो वीडियो पर व्यूज आने के लिए जितना ज्यादा जरूरी आपके वीडियो का कंटेंट है, उतना ही ज्यादा जरूरी आपकी वीडियो का थंबनेल है। अब अगर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, वीडियो का कंटेंट अच्छा है, फिर भी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने थंबनेल को इम्प्रूव या अपडेट करना होगा। इस स्ट्रेटजी में आपने जब से वीडियो अपलोड किया है तब से आपको डिफरेंट थंबनेल अपडेट करके देख सकते हो और उसके एनालिटिक्स को मेजर कर सकते हो कि कौन से थंबनेल पर आपको थोड़े ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आपने एक ही थंबनेल से एक वीडियो अपलोड किया और उस पर आपको स्टार्टिंग के 100 व्यूज मिल गए, फिर आपके व्यूज थोड़े रुक से गए, तो आपने नेक्स्ट थंबनेल अपडेट किया
और आपको 150 व्यूज और मिल गए। आपने एक और थंबनेल अपडेट किया और इस बार आपको 350 से भी ज्यादा व्यूज आ गए। मीन्स इस थंबनेल से आपके व्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये वही थंबनेल है जो कि आपके वीडियो के लिए वर्क कर रही है और यही वो थंबनेल है जो कि आपको आगे भी और व्यूज ला के देने वाली है। सो इस स्ट्रेटेजी में कीप अपडेटिंग द थंबनेल अंटिल यू फाइंड द वर्किंग थंबनेल। लेकिन बहुत से ऐसे पॉपुलर क्रिएटर्स हैं जैसे सौरभ जोशी, क्रेजी एक्सवाइजेड और भी बहुत सारे हैं जो कि थंबनेल्स को अपडेट नहीं करते फिर भी उनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं। वो कैसे? अगर आपको वो ट्रिक जाननी है तो अभी आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो ट्रिक को जान सकते हो। बहुत इजी तरीका है। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज आगे मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द इस वीडियो में। टिल कीप स्माइलिंग एंड कीप इट शेयरिंग।